टेक्निकल रघु चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम सभी लोग KSK IOCL पंप पिंडारी घुसिया में HDPE पाइपलाइन के कार्य के लिए आए हैं। हमारे साथ गिलवारको के सीनियर इंजीनियर अशोक, दीपक, मनिंदर और मैं रघुराज चतुर्वेदी। इसी के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं ऋषि मेहलोत्रा जी, जो कि कानपुर से हैं और जो गिलवारको के HDPE पाइपलाइन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इनके साथ ही कमल जी, अनिल त्रिपाठी और सुनील अवस्थी जी आज यहाँ पर इस पाइपलाइन की ट्रेनिंग के लिए हम सभी लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर जो पाइपलाइन डल रही है वो पाइपलाइन गिलवारको की तरफ से चेकवाल वाली मशीनों की डल रही है, जिसमें कि सक्शन वाली गिलवारको की दो नोजल की मशीनें हैं, जिनमें कि दो मोटरें लगी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो नोजल की मशीन है जिसमें दो मोटरें लगी हुई हैं और ये दो सक्शन आए हुए हैं। आप लोगों ने देख लिया, सारे लोग उपस्थित हैं। अब मैं आप सभी लोगों को HDPE पाइपलाइन की कटिंग के बारे में बताऊंगा कि HDPE की पाइपलाइन कैसे कटिंग करती है। तो सभी लोग देखिए, ये HDPE पाइपलाइन को काटने के लिए टूल्स है, जिसको हम लोग जनरल भाषा में कटर कहते हैं। इस कटर को आप देख सकते हैं, इसमें एक घुमाने वाला रैचेट दिया हुआ है जो कि इस लाइन को धीरे धीरे प्रेस करता है। अब मैं इसको जहाँ पर हमको HDPE पाइपलाइन कट करनी रहती है वहाँ पर हम इसको रखेंगे। आपने देख लिया कि हमने इसको रख दिया है। अब धीरे धीरे इस लैच को दबाएंगे तो ये रैचेट उस स्थान पर चली जाती है जहाँ पर हमको कटिंग करना है। कॉन्ट्रैक्टर अनिल कंस्ट्रक्शन के डीप सुपरवाइज़र ये भी यहाँ पर हैं, जो कि इस कार्य को समझ रहे हैं। अब धीरे धीरे हमने उस रैचेट को उस स्थान पर प्रेस किया है जहाँ पर HDPE पाइपलाइन को काटना होता है। जब प्रेशर पूरी तरीके से उसमें लग जाता है तो हम इस कटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। उसके साथ साथ इस रैचेट का भी प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। ये देखिए, कटिंग हो रही है और इस रैचेट को हम धीरे धीरे प्रेस करते हैं और ये उसी स्थान पर आ गया है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इस पर और प्रेशर करेंगे और ये पाइप दूसरे राउंड में। जैसा कि आपने देखा, पहले पार्ट में हम लोगों ने ये समझ लिया था कि किस तरह से HDPE पाइपलाइन को कटिंग करके एक दूसरे से अलग किया जाता है। अब सेकंड पार्ट में हम लोग फ्यूज़न के बारे में बात करेंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक सॉकेट, प्लास्टिक का सॉकेट और एक ट्रांजिस्टर फिटिंग इस पाइपलाइन में जो कि काटी गई है उसमें लगा दिया गया है। अब इसमें दो प्रोब जो कि फ्यूज़न मशीन, वेल्डिंग मशीन के द्वारा जो दो प्रोब हैं उनको फिटिंग कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि वेल्डिंग मशीन किस प्रकार की होती है। ये वेल्डिंग मशीन हमारे सामने रखी हुई है, इसमें चार बटन, एक सबसे पहले तो ऑन और ऑफ़ का एक बटन दिया हुआ है। जैसे ही हम इसको ऑन की तरफ करेंगे तो इसमें डिजिटल स्क्रीन जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें से डिस्प्ले होने लगेगा। इसमें चार बटन दिए गए हैं, एक स्टॉप है, एक ओके है, एक
इंक्रीजिंग करने के लिए है वोल्टेज और एक डिक्रीजिंग करने के लिए है। तो अब हम लोग जो है इसको स्टार्ट करेंगे और इसको फ्यूज़न को चालू करेंगे। अब आप देखिए कि जैसे ही मैंने इस मशीन के ऑन ऑफ स्विच में से स्विच को ऑन किया, मशीन के ऊपर डिस्प्ले पर कुछ अंक आपको चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब स्कैनर के द्वारा जिस टी या जिस सॉकेट को हम लोगों को वेल्ड करना होता है उस पर हम लोग इसको ले जाएंगे। और अब आप देखिए, मैंने इसको स्कैन किया तो डिस्प्ले पर रीड लिख के आ गया है, जिसका मतलब है कि उसने रीडिंग कर ली है। आप देख रहे हैं रीडिंग आ रही है, रीडिंग दिख रही है। इसके बाद मैं ओके का बटन प्रेस करूँगा, फिर हम लोग ओके का बटन प्रेस करेंगे तो रीडिंग चालू हो गई है। अब आप एक बार देखिए, वहीं देखिए, अब ये फ्यूलिंग स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है ये इसने इस स्कैनर के द्वारा इस चीज़ को जो कि 63 mm का पाइप है जो कि इसमें डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है कि 63 mm का पाइप है और 35 volt पर ये देखिए, आपने देख लिया 63 mm का पाइप और 35 volt पर ये फ्यूज़न के लिए तैयार है जो कि 83 seconds तक फ्यूज़न होगी। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, हैव यू स्क्रैप, हैव यू स्क्रैप दिस मटेरियल, मीन्स नाउ दिस मटेरियल इज़ वेल्डेड थ्रू दिस फ्यूजन मशीन, सो नाउ आई ओके स्विच वन मोर टाइम एंड सी वेल्डिंग इज नाउ स्टार्ट, सी लुक एट द डिजिटल डिस्प्ले, नाउ वेल्डिंग इज गोइंग ऑन एंड आई थिंक आफ्टर 83 seconds that socket which is connected to the pipeline it is welded successfully and when this display speak some beep noise